हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताइए क्या हाल है? नया साल आते आते ना, और पुराना साल जाते जाते अच्छी खासी ठंडी करके जाएगा। तो आज 3 दिनों से वेदर बिल्कुल क्लाउडी हो रखा है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। और हम कहाँ आ गए हैं, आपको व्यू देख करके आइडिया लग गया होगा। तो ये देखो आ गया है, कैप लगाए, ये है ओजस। ओजस आओ आगे तक। और यहाँ पे मम्मी जा रही है चूल्हे पे खीर बनाने, क्योंकि हम लोगों को चूल्हे वाली खीर बहुत ज्यादा पसंद है। और जो चूल्हे वाली खीर खाना होता है ना, उसका मतलब टेस्ट जो है ना बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे मम्मी का किचन शुरू हो गया है और अभी चूल्हे में खीर बनने जा रही है। और ओजस अपने टॉय लिए हुए रेडी है खेलने के लिए। ये देखो ओजस रेडी है खेलने के लिए। और इधर स्टूडेंट 8 बज रहे होंगे और इतनी अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे मम्मी लोगों का सबका नहाना धोना हो गया है, वही मैं बस बची हूँ। मेरे बच्चे बचे हैं और ओजस बचे हुए हैं, 3 लोग बचे हुए, अभी हम चलेंगे आपको लेकर। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारी मम्मी क्या स्पेशल बना रही हैं। तो आज चूल्हे में मम्मी दाल पूरी बना रही हैं। और दाल पूरी किसकी स्पेशल फरमाइश है वो आप लोगों को बता देते हैं। तो नेहा का दाल पूरी खाने का मन कर रहा था, प्रेगनेंसी में होता नहीं, थोड़ा सा अजीबोगरीब मुँह का टेस्ट होता है। कभी कभी बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं और कभी कभी कोई भी फेवरेट चीज़ भी समझ में नहीं आती है। तो नेहा और मेरे दोनों की डिमांड थी कि दाल पूरी बनाया जाए। मम्मी बोली फरा खाने का मन है कि दाल पूरी, तो मैंने कहा नहीं दाल पूरी बना दीजिए। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वहाँ लखनऊ में बनाया ही था, तो फरा अभी खाने का मन नहीं है, दाल पूरी बनाइए। तो यहाँ पे मम्मी दाल पूरी सेकती जा रही हैं चूल्हे में और मैं बैठ करके यहाँ पे बेलती जा रही हूँ, मम्मी की हेल्प करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे स्पेशल फरमाइश पे बन रहा है और साथ में बनेगी लपसी, जो कि दाल पूरी के साथ ना बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, मतलब यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो दाल पूरी और लपसी बहुत ज़्यादा पसंद आता है आटे की, और उसके बाद उसके साथ सब्ज़ी भी बनी हुई है। तो जिन लोगों को लपसी नहीं पसंद आती वो सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे हम ही तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है लपसी के साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्टफिंग कर रही हूँ, और मेरे जो ससुराल में दाल पूरी बनती है वो थोड़ी सी मोटी मोटी और छोटी छोटी बनती है, और लाइक बिल्कुल आलू के पराठे के जैसी। और मेरे मायके में जो दाल पूरी बनती है वो काफ़ी बड़ी होती है, देख सकते हैं बड़ी बड़ी सी बनाई जाती है। साथ में बन गई है लपसी और यहाँ पे लग रही है बाबा जी की थाली, क्योंकि बाबा पूजा कर चुके हैं तो उनकी थाली लगा दी है। सब्जी है, लपसी है, दाल पूरी है। तो चलिए बाबा को हम दे करके आते हैं। की थाली लेकर के हम आ गए हैं बाहर और यहाँ आग जला करके बाबा बैठे हुए हैं और यहीं बैठ करके बाबा धूप में खाना खाते हैं। तो देख सकते हैं धूप भी है, आग भी है। और यहाँ पे आद्या को गोद में लिए हैं श्यामू, श्यामू आ गए हैं 1 दिन की छुट्टी पर, यह है निधि का भाई। तो 1 दिन की छुट्टी मिली थी इनको, तो ये भी आ गए हैं नए साल वाले दिन। और यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग, बच्चे सारे खेलने कूदने में लगे हुए हैं। और धृति ने मास्क लगा के रखी हुई है, क्योंकि आद्या उसके लिए 2 मास्क वहाँ से लेकर के आई थी, बोली एक मैं लगाऊंगी और एक धृति लगाएगी और दोनों मिलकर के ना सबको डराएंगे। तो बच्चों का खेल स्टार्ट ही रहता है। उसके बाद ये न्यू ईयर यानी 1 जनवरी का ब्लॉग है। सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मेरी मम्मी नहा करके पूजा कर चुकी हैं, पार्थिव पूजन कर चुकी हैं, मिट्टी के शिवलिंग बना करके। देख सकते हैं लाइट यहाँ का यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो शिव जी की मूर्ति बन चुकी है। उसके बाद नेहा भी यहाँ पर पूजा कर रही थी, मम्मी भी पूजा कर रही थी। और हमारे यहाँ न्यू ईयर की शुरुआत ऐसे ही होती भगवान की पूजा से और अपनों से बात करके। तो आज सुबह से सबके फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, हम भी सबको करके न्यू ईयर विश कर रहे थे उनके नए साल के लिए। तो सभी से बातचीत होती जा रही थी और साथ ही साथ आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मॉर्निंग के टाइम पे। और वहाँ पे क्या होता है सिटीज़ में, रात में 12, 12:30, 1 बजे तक सभी लोग जाग करके सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, फिर 1st को आराम से सोते हैं। और यहाँ 31st को हम लोग रात में 8:30-9 बजे 9:30-9 तक हम लोग सो गए थे, और मॉर्निंग में हम लोग 4 बजे से उठ करके सबको फ़ोन लगाना शुरू कर दिए थे और नहाना धोना हो गया है। यहाँ पे मैं कपड़े डालने आई थी ऊपर छत पर, क्योंकि धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली है, लेकिन हाँ डाल देते हैं कपड़ों में, थोड़ी थोड़ी सी हवा लग जाएगी और सारे कपड़े धीरे धीरे सूख ही जाएंगे, ऑलमोस्ट नहीं भी सूखेंगे तो थोड़ा सा इनका जो पानी है वो निकल जाएगा। फिर ले जाकर इनको किसी रूम में फ़ैन ऑन करके डाल देंगे तो वहाँ हवा से भी सूख जाएंगे। तो इस तरीके से जुगाड़ू काम लगा करके कपड़ों को सुखाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है न्यू ईयर
1 जनवरी, तो आज से 2024 शुरू हो गया है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को तो ज़रूर हैप्पी न्यू ईयर विश कर दूं। और सुबह का टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा होगा अभी एग्जैक्ट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैंने घड़ी देखी नहीं है तो मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अभी वेदर इतना ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है, बादल है, फॉग है, सब कुछ है, आज ठंड काफ़ी है। लेकिन मतलब एक होता नहीं जब बहुत ज़्यादा शॉल स्वेटर बहुत ज़्यादा पहन लो ना तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, मैं ऊपर आई थी छत में कपड़े डालने, और टाइम अभी वही 9:30 का हो रहा होगा, नहाना धोना सब कुछ हो गया। और मॉर्निंग से आज सबको फ़ोन कॉल्स चल रहे हैं, सभी से बातचीत हो रही है, मम्मी भी अपने जितने भी भाई हैं भाभी हैं नंदे हैं सबको मिला रही हैं, मैं भी अपने जितने भी रिलेशन वाले हैं सबको कॉल कर रही हूँ। तो इस तरीके से आज सुबह से हमारा काफ़ी बिजी डे चल रहा है, और देखते हैं धूप निकलने के तो आज कोई भी चांस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर निकल आई तो अच्छा ही है। और इधर साइड देखिए ये मम्मी के छत पे ना सूखी हुई तरोई जो है वो लगी हुई है, उसके बीज काम आ सकते हैं, बाद में बीज काफी काम आते हैं। आद्या बाहर गई है, बच्चे बार बार बाहर जा रहे हैं, मैं लॉक ही लगा लेती हूँ क्योंकि अकेले ना इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं। आद्या घर में है, आद्या इज देयर। किचन में आज खाने में क्या बनने वाला है? न्यू ईयर के दिन आज हमारे यहाँ खाने में क्या बन रहा है वो आपको दिखाते थे। यहाँ पे प्याज छील करके रख दी गई, लहसुन छील करके रख दी है, अदरक हरी मिर्च लहसुन, तो यहाँ पे चॉपर में मैं इसको अच्छे से चॉप कर ले रही हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे पालक, फ्रेश पालक तोड़ करके अभी अभी लाई गई है, तो यहाँ गाँव में ना एकदम फ्रेश पालक आई हुई है। तो पालक यहाँ पे पालक है, सोया मेथी है, और इसी का साग जो है वो मम्मी बनाने वाली हैं चूल्हे पर, लोहे की कढ़ाई का के साग की स्वाद की बात ही अलग होती है। तो लोहे की कढ़ाई में यहाँ पे ये साग बनाया जाएगा। तो देख सकते हैं अभी मम्मी सब्जियाँ काट रही हैं, और इधर आपको दिखाते हैं ममता बुआ किस काम में लगी हुई हैं। तो ममता बुआ यहाँ पे कचौड़ी के लिए आटा रेडी कर रही हैं, मतलब आटे का डो लगा रही हैं। तो यहाँ पे कचौड़ी मसाला उन्होंने डाल दिया है, अजवाइन डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और सौंफ वगैरह डाल दिया है, जिससे काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट हो जाता है कचौड़ी का। और आज कचौड़ी है, सब्जी है, यही सब कुछ खाने में बनने वाला है। और उसके बाद ममता बुआ यहाँ पे लगी हुई थी, और साथ ही साथ सबके फ़ोन आते जा रहे हैं, सबसे बातें भी होती जा रही हैं। और ममता बुआ थोड़ा सा कॉमेडी बहुत अच्छा करती, मज़े बहुत लगाती, उनकी बातें ना मतलब हंसी मजाक वाली होती हैं, तो इससे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ठंड बहुत ज़्यादा है, और काम भी सबके शुरू हैं। तो ममता बुआ ने आटे का डो लगा दिया है, और उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं। चलिए चलते हैं किचन में और हम बना लेते हैं सब्ज़ी, और यहाँ पे मम्मी बाकी जो और खाना है वो सारा यहाँ चूल्हे पे बन जाएगा, और कुछ खाना हम किचन में बना लेते हैं। उसके बाद नेहा यहाँ पे आ गई थी आलू छीलने, तो आलू बैठ करके छीलती जा रही, और बुआ के साथ थोड़ी मजाक मस्ती यहाँ पे चल रहा था हमारा। और बुआ सबको आशीर्वाद सुबह से सबको दे रही हैं, फ़ोन पे जितने भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो हमने कहा आप गंगा मैया की भक्त हैं, आप जिसको आशीर्वाद देंगी, और जितनी शक्ति भगवान में होती है उतनी ही शक्ति भगवान के भक्त में भी होती है, तो अगर आप सच्चे भक्त हैं तो उतनी शक्ति होती है। और देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे टमाटर काट रही हैं, और ममता बुआ आटा गूंथने में लगी हुई हैं। तो कचौड़ी का डो उन्होंने बना दिया है, अब पूड़ी का डो लगा रही हैं। ये देख सकते हैं कचौड़ी का डो बन चुका है, पूड़ी का लगा रही हैं। और यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पर मेरी प्याज ऑलमोस्ट पक गई है, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च ये पेस्ट काफ़ी हद तक पक चुका है, मसाले भी अब इसमें हम डाल देंगे, मसाले कुछ डाले थे शुरुआत में और कुछ और डालेंगे, और उसके बाद उसको पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर टमाटर डाल देंगे। और पनीर की सब्ज़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मसाले जो होते हैं, पनीर की सब्ज़ी हो या कोई भी सब्ज़ी हो, जब तक मसाले अच्छे से भुन नहीं जाते हैं तब तक उसमें का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो
अभी किचन में अभी मैं इस काम में लगी हुई थी, और बाहर बच्चों को भी एक जन को देखना पड़ता है क्योंकि सारे के सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो सब खेल कूद में बिजी हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर तक तो इनका खेल कूद चलता है, उसके बाद इनकी फाइटिंग शुरू हो जाती है, तो बीच बीच में इनको भी जा कर के देखना ही होता है। तो अभी मैं नेहा हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि अभी जा कर के इनको भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे निकलना शुरू हो गई है पूड़ियाँ। तो ममता बुआ बेलती जा रही हैं और मम्मी गर्मा गर्म कढ़ाई में पूड़ी कचौड़ी सब निकाल रही हैं। तो अब सब लोग हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि ठंडियों में खाना गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। तो सब लोग खाना खाएंगे और फिर जितने लोग अभी बचे हुए हैं मॉर्निंग से विश करने के लिए उनको फ़ोन कॉल करेंगे, उनसे बातें करेंगे। तो यही इसी तरीके से हमारे यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। और शाम तक अगर प्लान ना तो हम लोग पास में जो भी धाम है मंदिर है वहां दर्शन करने जाएंगे, जैसे हमारे घर के यहाँ पे देख सकते हैं थाली लग गई है मेरी भी, पनीर की सब्जी है, सूखी सब्जी है, पापड़ है, अचार है और पूड़ी मम्मी रखती जा रही कचौड़ी पूड़ी। तो मुझे बच्चों को भी साथ में खिलाना है। वीडियो का एंड करेंगे, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।